Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गैस, आज मैं आपको YouTube SEO के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप YouTube का SEO करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और आपके चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो अभी क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मुझे लेकर चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है हम ट्यूबबडी का इस्तेमाल करके, जो कि अगेन एक SEO टूल है, इसका इस्तेमाल करके जो है हम अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा अच्छे सब्सक्राइबरों तक जो है पहुंच सकते हैं, अपने वीडियोस पे लाखों व्यूज जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यू कैन सी यहां पर मेरे पास में ट्यूबबडी का जो SEO टूल है वो यहां पे इंस्टॉल्ड है। अब इसको इंस्टॉल करना कैसे होता है, तो उसके लिए जो है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे यहां पे आपको जाके लिखना है ट्यूबबडी। ट्यूबबडी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्यूबबडी एक्सटेंशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है ट्यूबबडी का एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप इसको जो है अब ट्यूबबडी को यहाँ से इंस्टॉल कर लें, और ये डेफिनेटली फ्री में कुछ चीज़ें आपको देगा, लेकिन पेड वाले में बहुत ही अमेजिंग होता है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में आपको ये लॉग इन करने का, यहाँ पे आपके पास में एक आइकन आ जाएगा, उस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है आपका कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा, काफी सारे अमेजिंग फीचर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपका डैशबोर्ड है, इसमें काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि ये इसकी ट्यूबबडी टूल की कितनी पावर है। तो यू कैन सी मेरे पास में एक वीडियो है जो कि मैंने काफी समय पहले जो है पब्लिश किया हुआ मेरे चैनल पे, बट इसके अंदर मैंने जो है बिना ट्यूबबडी के जो है कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स डाल के रखे हैं। बट ये कीवर्ड में अब जो मुझे ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरा वीडियो रैंक होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता, राइट। लेकिन ट्यूबबडी कैन हेल्प यू टू गेन योर व्हाट यू कैन से द व्यूज एंड योर चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। कैसे, इसी वीडियो को मैं आपको एक बार, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट टू, तो यही चीज मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है, यू कैन सी यहाँ पे। अब यहाँ पर ये रहे मेरे कीवर्ड्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन चेक। तो यू कैन सी ये सारे मेरे कीवर्ड्स यहाँ पर हैं। अब क्योंकि ट्यूबबडी इंस्टॉल्ड है तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में वीडियो एनालिटिक्स आ जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा SEO स्कोर तो 85% बता रहा है, बट क्या मेरे जो टैग्स डाले क्या वो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए यहां पर जो है मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, बिकॉज यहां पे मैंने शायद पहले क्लिक कर दिया था तो अभी जो है वो हट चुका है। तो एक बार मैं वापस रिफ्रेश करता हूं और एक बार जो है इसको लोड होने देते हैं, और इसको जरा पॉज करते हैं, हमें नहीं चाहिए। और यहां पे यू कैन सी जैसे आप टैग पे आते हैं तो यहां पर आपके पास में एक बटन होता है विच सेज शो सर्च रैंकिंग, जो आपने टैग्स डाले उन टैग्स के अकॉर्डिंग आपका जो रैंकिंग है वो कितना बन रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक करा तो यू कैन सी यहाँ पे लोडिंग लिख के आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से यहाँ पर किसी भी कीवर्ड के ऊपर में मेरा रैंकिंग नहीं हो रहा है, किसी भी कीवर्ड पे रैंक नहीं हो रहा है। अगर आपको और देखना डिटेल में, चलिए मैं और दिखाता हूं आपको। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बट आप डेफिनेटली इससे बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं। अब ये जो मेरा टैग यहां पे टैग है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये मेरा ट्यूबबडी का जो एक पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और साथ ही साथ यहां पे यू कैन सी ये मेरा इसलिए रैंक नहीं कर रहा, जो मेरा कीवर्ड है जो यहां पे मैंने टैग डाल रखा है वो पुअर में आता है, राइट। इसका कोई भी मतलब नहीं, पुअर है मतलब कुछ भी नहीं होना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको नहीं मिलेगी। बट इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे कुछ सजेशंस भी मिलते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, से फॉर एग्जांपल हाउ टू सेटअप गूगल एड अकाउंट इन 2022। अगर मैं इसको जो है लेता हूँ, ये वाला जो मैं टिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको नेक्स्ट, अगर कोई नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रहा तो मैं उसको टॉपिक के लिए भी ऐड कर सकता हूँ, राइट, या फिर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्लिपबोर्ड पे, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। अब मैं इस पे जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये चेक करना कि ये जो कीवर्ड है वो कितना है। तो नाउ यू कैन सी ये एक्सीलेंट कैटेगरी में है, यानी कि अगर मैं ये वाला कीवर्ड डालूंगा और दूसरे कीवर्ड को हटाऊंगा तो मेरी जो रैंकिंग है वो वाकई काफी ऊपर आएगी,
राइट। तो इससे हम जो है अपना जो आपका वीडियो का जो टाइटल है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको वीडियो टाइटल क्या रखना चाहिए, राइट। और आपको जो है यहाँ पे कीवर्ड कौन से होने चाहिए वो भी आपको पता चल जाएंगे, है ना। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में जो है काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप वीडियो टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो टॉपिक क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे रिलेटेड सर्च बता दिया है, राइट। कॉमन टैग्स, इससे रिलेटेड कॉमन टैग्स कौन कौन से हैं, जिसपे यू कैन सी आपको पूरा यहाँ पे जो है बता रहा है कि किस पे कितना आपको जो है ट्रैफिक मिल सकता है। तो ये आपके सारे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको वाकई यू कैन सी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आपको पूरा बता रहा है यहाँ पे किस पे कितना कितना क्या क्या मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग TubeBuddy का जो है एक्सटेंशन है। आप इसको पेड वाले में जाके, मेरे पास ये पेड वाला है इसीलिए यहाँ पे मैं पूरा ओपन करके देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास में जो है यहाँ पे ये पेड वाला नहीं है तो आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, आपको एक यहाँ पे बटन आएगा अपग्रेड, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपग्रेड कर लें। अभी मैं ये जो कीवर्ड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपना जो मेरे पास में यहाँ पे कीवर्ड डले हुए हैं यहाँ पर जाकर इस कीवर्ड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और पहला वाला जो कीवर्ड था उसको मैं रिमूव कर देता हूं सो दैट कि मेरा कुछ तो एनहांसमेंट आएगा। अब इसको कर लेते हैं अपन सेव। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोसेस बताया, लेकिन अगर आप जो है इसको यूज करना चाहते हैं स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे ये बहुत ही अमेजिंग टूल जो है आपको हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। तो ये आपको जब रैंक होगी आपकी वीडियोस तो डेफिनेटली आपका जो है व्यूज भी आएंगे, आपका जो वीडियो रैंक भी करेगा, और कौन से आपके रैंक कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है ये आपको वो भी दिखा देता है, राइट। तो चलिए एक बार वापस यहाँ पे ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो यू कैन सी अभी भी यहाँ पे, क्योंकि जस्ट अभी ये डाला है तो अभी इस पे रैंकिंग नहीं बनी, लेकिन अगर कोई दूसरा वीडियो लेते हैं कि क्या किसी का कोई रैंक कर रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर जो है ये 6 स्टेप वाला एक मेरा वीडियो है इसमें कुछ कीवर्ड डले हुए, तो आप रैंकिंग भी चेक कर सकते हो कि आपका जो रैंक है वो किस नंबर पे कर रहा है। तो यू कैन सी यहां पे लिखा हुआ है 6 स्टेप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये जो 6 स्टेप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा तो ये मेरा जो है 2nd नंबर पे रैंक करेगा। चलिए यहां पे सर्च करते हैं, मैं यहां पे YouTube ओपन करता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं लिखता हूं 6 स्टेप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। ये था एग्जैक्टली, एक बार चेक कर लेते हैं 6 स्टेप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये लेते हैं, ये 2nd वाला है हमारा, इसको सर्च करते हैं तो यू कैन सी पहले नंबर पे किसी और का कर रहा है और दूसरे नंबर पे जो है यहां पे मेरा वीडियो यहां पे शो हो रहा है। तो ये आपके लिए एक्सीलेंट है, मतलब ये आपको बिल्कुल अमेजिंग चीजें करके दिखा देगा। तो इस पे आपको जो है जब रैंकिंग अच्छी होगी, आपके कीवर्ड्स अच्छे होंगे, उस पे वॉल्यूम्स ज्यादा होंगी, तो डेफिनेटली जो है आपको यहां पर व्यूज भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। तो इस तरह से जो है आप TubeBuddy का एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया कि किस तरह से कितने एडवांटेज है, इसके बहुत सारे और एडवांटेज हैं, लेकिन एक एक कर मैं वो फिर अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के जो है पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको TubeBuddy का जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है पूरा आप लोगों को सिखाऊंगा, सो दैट कि आप लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सके, राइट। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, आई होप कि आपको जो है TubeBuddy का जो मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए काफी यूजफुल होगा। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।